वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हम ये बैक टू बैक सीरीज आपके साथ चला रहे हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 60 वीडियोस। सो एक अच्छी अचीवमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए कि हमने नॉन स्टॉप ये सीरीज आपके साथ चलाई हुई है, बारिंग लास्ट फ्यू डेज जब थोड़ा हेल्थ इशू था। बट एनी वे इट्स गुड टू बी बैक लाइक आई सेड। एंड मैं आपको जैसे कल बता रही थी, विल बी डीलिंग विद मोर सम इंटरेस्टिंग इश्यूज, अलग तरीके से क्वेश्चन। देखो डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये तो कॉमन रहेगा, अब तरीका हम थोड़ा मैं आपके साथ थोड़ा डिफरेंट लाना चाहती हूँ, सो दैट एक टॉपिक वाइज टॉपिक भी आप इसको लर्न कर सके, या आपको दिमाग में रहे कि नहीं मैंने इसकी वीडियो देखी है, सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आज की जो है ये पॉलिटी ओरिएंटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, एंड मैंने एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट्स रखा है। ओके, नाउ क्वेश्चंस तो 10 हैं आज के, नो डाउट अबाउट दैट। ऑफकोर्स नॉट जस्टिफाइड कि मैं सारे क्वेश्चंस इसमें इनकलकेट कर सकूँ फंडामेंटल राइट्स ओरिएंटेड, बट आई कैन गेट मोर क्वेश्चंस। जितना एक्चुअली लाए उतना कम है देखा जाए फंडामेंटल राइट्स का, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि एटलीस्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आर रेडी एंड मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँ, सो दैट कल की वीडियो में वी कैन डिस्कस मोर ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड क्वेश्चन, या उसमें आई कैन ऐड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSP। ऐसे ही कल को हम जैसे कुछ यूनियन एग्जीक्यूटिव है या स्टेट है या जुडिशरी है उसके रिलेटेड भी एक्सक्लूसिव अगर सिर्फ 10-12 क्वेश्चंस हो, दैट विल हेल्प यू। आपको पता रहेगा कि एक फोल्डर है आपके पास। मैं आपको एक रिमाइंड करा लेती हूँ, हमारे चैनल पे जाके जब आप सब्सक्राइब करेंगे, गो हेयर, गो टू द प्लेलिस्ट पार्ट। ओके, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए आप। यहाँ पे टॉप पे आपको जो ये सीरीज दिख रही है JKSSB PYQs, सी देयर आर मोर देन 64 नाउ। पहले की जो हमारी जो सीरीज चल रही थी वी हैड फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन सर्टन एग्जाम्स, उनकी हम कर रहे थे, PSI हो गया या जूनियर असिस्टेंट के हो गए या जिसके भी थे। अभी कुछ दिनों से जो हमारा चल रहा है दिस इज स्लाइटली डिफरेंट एंड फोकसिंग ऑन एवरी एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम है। ये देखिए जैसे ये JK हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रिलेटेड था, दिस वेंट वेरी वेल, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे एंड वी गॉट रियली गुड रिस्पॉन्स। उससे पहले इंग्लिश का भी था विच ऑल्सो वेंट वेल, इंग्लिश एंड कंप्यूटर के भी अच्छे चले गए थे। देन मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ जैसे EDMs ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, EDMs बहुत बार आते रहते हैं, सो अगर जैसे EDMs की मैंने अलग वीडियो बनाई तो मैं ऐसे ही इसकी इंग्लिश ओरिएंटेड किसी और टॉपिक की बना सकती हूँ। देन जनरल साइंस के भी जो बेसिक क्वेश्चंस थे आई कुड गेट आउट एज मेनी एज आई कैन इन दीज टू वीडियोस, मैं लेके आई उसमें। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चन। नाउ ऑल्सो आर ऐप विंग्स एक उड़ान, यहाँ पे आप JKSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, कॉन्टेंट पे जाके यू विल फाइंड गाइज ऑल द जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। सी ये अपडेट हो चुकी हैं प्रॉपर, जस्ट पे अ वेरी रीजनेबल, लाइक ऐसे रीजनेबल अमाउंट है इसका जब आप पे करेंगे एंड यू विल यूटिलाइज द मोस्ट। और आपका ये ऐप डाउनलोड करने के बाद ये आप काफ़ी देर तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। द फंडामेंटल राइट्स आर मैंशनड इन, ओके। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको लोग ये तो पूछे गए इसमें कौन सी बड़ी बात है, आई नो पूछे गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी या छोटी बात यही है कि एक ही वीडियो पर एटलीस्ट आपको फंडामेंटल राइट्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे एंड पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आर रेपिटेटिव ऑल्सो। ये पूछा जाता है चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या DPSP के रिलेटेड हो या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड हो, वो पूछा जाता है कि पार्ट कौन सा है, सिटीजनशिप का पार्ट कौन सा है। ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, आप हमें लाइव कॉमेंट सेक्शन भी आंसर अपना टोटल स्कोर मेरे को बता दीजिए कौन सा है, कितना है आपका। ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर क्या है, द करेक्ट आंसर हेयर इज पार्ट 3, मतलब बी इज द ऑप्शन पार्ट 3। आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ से शुरू होते हैं, आर्टिकल 12-35 से। ओके, अगर मैं इसको लाइक जस्ट फॉर द सेक इस वीडियो के लिए अगर मैं थोड़ा डिवाइड करूँ तो 14 और 18 आपका इक्वालिटी के रिलेटेड बात करता है, देन 19 एंड 22 आपका फ्रीडम ओरिएंटेड बात करता है। ऑफकोर्स वी हैव मोर राइट्स, बट ये जो बेसिक क्रक्स राइट्स की मैं बात कर रही हूँ जिसपे बार बार सवाल आते हैं उनका मैंने आपको इसमें बताया। 23, 24 एक्सप्लॉयटेशन के रिलेटेड भी बात करते हैं,
ओके, सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉज डिराइव फ्रॉम विच कंट्री. ओके, देखा ये वाले भी पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा, जो हमारे स्टार्टिंग के आपके लेक्चर्स से कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या आपका ड्यूटीज़ हो, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से आता है, इन सब का अगर एक टेबल बना के रखे, कंट्री वाइज बना के रखेंगे, वो बेटर है कि यूएसए से क्या लिया हमने, यूके से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, ऐसे करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल. नाउ यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया. द करेक्ट इज यूएसए, बिल ऑफ राइट्स. और क्या क्या लिया हमने यूएसए से? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. होल्ड ऑन, लेट मी क्लियर इट फॉर यू. ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आ गया. देन जुडिशियल रिव्यू हमने पढ़ा है, वो आया. लाइक आई सेड कि आपके जो जुडिशरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे उनको मैं अलग से फिर फ्रेम करके ले आऊँगी. देन इम्पीचमेंट आ जाता है इसमें, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस प्लस वाइस प्रेसिडेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू इन रिलेशन टू फंडामेंटल राइट्स? नॉट, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. The fundamental rights mentioned in our constitution are more deeply elaborated than as compared to America's fundamental rights. This is true, correct. Fundamental rights are justifiable in nature. Yes, that means kal ko if your rights are infringed, kisi ne aapki rights infringed ki hai, you can approach the court in any manner as you want, high court or supreme court. Of course, unke articles aap mujhe niche bataiye comment section mein kaun se hain. जो ये फर्स्ट वाला है डीपली एलैबोरेटेड, दैट मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एलैबोरेट करके दी हुई है फंडामेंटल राइट्स, दीज आर मोर डीपली एक्सप्लेन एलैबोरेटेड एज कम्पेयर टू जो अमेरिका की है, विच इज़ ट्रू. ऑल्सो वी ऑल्सो नो कि हाउ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ओके, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट सम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. हमें पता है कि सम फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड. कौन कौन सी नहीं होती हैं वो भी आप मुझे बताइए, जैसे 20 या 21 नहीं हो पाती हैं. ओके, सो एक्सेप्ट में वो आ गया, चलो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, नॉट दिस. ओके, दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर. इट्स नॉट फंडामेंटल राइट्स, ये जो आपका है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का पार्ट, ये DPSP आपका करता है. ओके, नाउ DPSP में काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है, अब कैसे उसको घुमा फिरा के इन लोगों ने इसमें डाला गया है. ठीक है, नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील्स विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? ओके, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं. आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21. द करेक्ट इज आर्टिकल 16. ओके, 15 और 16 में प्लीज कंफ्यूज नहीं हुई है, 16 की बात कर रहे हैं यहाँ पे. लेट्स रीड व्हाट इज 16. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स. अंडरस्टैंड सिटीजन्स, जब भी कोई आर्टिकल पढ़ेंगे एक अलग से दिमाग में एक जगह बनाइए, रखिए याद कि सिटीजन्स को क्या अप्लाई होता है और कहाँ पे, कहीं पे पर्सन या इंडिविजुअल लिखा हुआ है. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. ठीक है, नो स्टेट शैल ऑन ग्राउंड ऑफ, अब ये ध्यान से सही है, किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. वो क्या ग्राउंड्स हैं आपके? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इन एलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अंडर स्टेट. सी इट्स अ वेरी लॉन्ग, अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो बहुत लंबा आर्टिकल है, बट ये बेसिक मेरे को बताना था कि किन बेसिस पे नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल? ओके, बताइए इसमें क्या हो सकता है. लेट्स रीड,
आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, ओके, क्या है इसका आंसर? आर्टिकल 20. अगर आपको पता है आर्टिकल 20 और 22 में क्या डिफरेंस है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. 22 आपकी बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन एंड पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर. अरेस्ट से याद रखिए, अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला पार्ट ये याद रखिए 22 का. ओके, 21 वी ऑल नो क्या है, राइट टू राइट टू लाइफ. 23 जो है वो बात करता है आपके प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर. सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड ये बात करता है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज 20. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये पूछा जाता है बहुत बार, बताइए क्या है. 15, 16, 19, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. आर्टिकल एक्चुअली कौन कौन से हैं? 15 है, 16, 19, 29, 30. 15 क्या बात करता है? इट इज़ अबाउट प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स. ओके, देन 16 मैंने आपको मेंशन किया था, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. 19 क्या बात करता है? दिस आर्टिकल इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स. ओके, ये उसकी बात करता है. 29 किसकी बात करता है? इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. 30 किसकी बात करता है? इट अलाउज द रिलीजियस डिनोमिनेशंस एंड सेक्शंस ऑफ पीपल टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर फ्री एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पोअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ. ओके, दैट मीन्स ये बात कर रहे हैं सिटीजन्स ओरिएंटेड. गॉट इट? सो रिमेंबर कौन से आर्टिकल्स हमारे इसमें जो सिटीजन्स को अप्लाई होते हैं. इन विच कंट्री वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ ओरिजिनेटेड? यूके, यूएसए, जापान, फ्रांस. बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है. इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ? लेट मी सी द आंसर. ये यूके बेस्ड है. इट इज़ अ ब्रिटिश वेयर, देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ठीक है, ये है अमेरिकन कॉन्सेप्ट, ये है आपका अंग्रेज यूके का कॉन्सेप्ट. गॉट इट? नाउ जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ की मैं बात कर लेती हूँ. अगर आपको लग रहा है कि दो में कन्फ्यूजन है, आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग बोथ. इक्वालिटी बिफोर लॉ बात करता है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन. किसी दैट मीन्स किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, कोई भी बंदा हो. ओके, नो पर्सन इज अबव द लॉ, ये भी ये कहता है, नो पर्सन इज अबव द लॉ. अब जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में, वो बात करते हैं किसी और कॉनोटेशन की. दैट मीन्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. मेरे को अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस मिल रहे हैं एज कम्पेयर दूसरे बंदे के साथ, सर्कमस्टांसेस दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज भी, तो इक्वल ट्रीटमेंट मेरे को मिलेगा बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज बाय लॉ. ओके, देन सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इट इज़ अ वेरी फेमस लाइन, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. ओके, नाउ दिस इज द आंसर. देखिए अगर मैं इसको जितना और एक्सप्लेन करने बैठूँ तो बहुत बहुत ही लंबा ये कॉन्सेप्ट है. ये सारा आपका आर्टिकल 14 ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है. आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो जाए. इक्वालिटी बिफोर लॉ जो बात करता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज और एनी प्रिविलेज. यस, नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल 20 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशनड. वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी. नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, no double jeopardy, no
एक्स पोस्ट फैक्टो या राइट टू लाइवलीहुड, आर्टिकल 20 में क्या ऐड नहीं होता है? द करेक्ट आंसर हेयर इज राइट टू लाइवलीहुड. वाई? देखिए आर्टिकल 20 जो है ये क्या बात करता है आपकी, इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. लेट मी रिपीट, प्रोटेक्शन. आई विल एक्सप्लेन दीज थ्री पॉइंट्स, सो आराम से देखिए. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हेयर मीन्स कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकता है कोई पर्सन. दिस इज मीन नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सेल्फ से याद रख लीजिए, अपना अगेंस्ट नहीं बोल सकता है. नेक्स्ट, नो डबल जोपडी. डबल जोपडी आपको बोलना या डबल जिपॉडी बोलना है, जैसे मर्जी. दैट मीन्स इसका मतलब है नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर सेम ऑफेंस. ओके, एक ही ऑफेंस के रिलेटेड उसको मैं बार बार अरेस्ट नहीं कर सकती हूँ फॉर सम रीजन. ये कभी कर लेते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है 20 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. लास्ट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो. दैट मीन्स लॉ विच इम्पोजेस पेनल्टीज और कन्विक्शन ऑन द एक्ट ऑलरेडी डन एंड इंक्रीजेज अ पेनल्टी फॉर सच एक्ट. दैट मीन्स अगर एक बार उसकी कोई वो पेनल्टी पास हो चुकी है कि भाई दिस इज अ पेनल्टी यू हैव टू पे, या तुम्हें इतनी सालों की सजा है, तुम्हें वापस उसकी नहीं सजा मिल सकती है. रेट्रोस्पेक्टिव ये एक्ट नहीं चल सकता है. कभी वी नो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब लॉज पास हो जाते हैं एंड पनिशमेंट कभी बढ़ जाती है, बट अगर वो ऑफेंस कभी पास हो गया या जब जजमेंट पास हो गई उसके बाद आप नहीं बोल सकते हो कि इसको अब वापस इस ऑफेंस में इतनी और सजा दो. ओके, दीज आर द सम माइन्यूटेस्ट डिटेल्स. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो डबल जियोपार्डी. सेल्फ डबल से याद रखेंगे वर्ड्स तो आपको मीनिंग भी याद रहेंगे. नेक्स्ट क्या है? Which article has been defined as a heart and soul of the Constitution of India? Come on, we all know what is it. Article 14, 21, 32, 20. It is 32. It was Dr. B.R. Ambedkar who actually mentioned ki isko heart and soul kaha jata hai, kyunki this talks about the writs. Jo hamari panch writs hain, constitutional writs hain. Habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto, okay? And did I miss anything? Prohibition, yes. ठीक है, अब अगर मेरे पास I can get all these question, मैं अगर 32 के related भी मैं अलग question बना सकती हूँ, I can do that in next video, not an issue. But heart and soul oriented, या कभी ये भी पूछा जाता है कि who mentioned it as heart and soul of the constitution, so this is the answer, Dr. B.R. Ambedkar and Article 32. ये होता है जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. जब मेरे को हाई कोर्ट होता है दैट इज आर्टिकल 226. लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. द करेक्ट इज ऑफकोर्स राइट टू प्रॉपर्टी. ये पहले एक फंडामेंटल राइट थी अंडर इसका प्रोविजन था आर्टिकल 31. उसके बाद 44th अमेंडमेंट, द फेमस 44th अमेंडमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, बड़ी सारी चेंजेस हुई थी. मेरे हिसाब से एक अलग वीडियो बनेगी शायद 44th अमेंडमेंट की, उसमें क्या क्या हुआ था. दिस फंडामेंटल राइट वॉज अबॉलिश्ड एंड ये क्या बनाई गई थी, एक लीगल राइट बनाई गई थी अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस. आई होप ये नया तरीका भी आपको अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो. डू लेट अस नो आपका कैसा ये ओपिनियन है, या यू वॉन्ट इन सम अदर वे ऑल्सो, आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए. मैं वॉट आई कैन डू इज आई कैन गेट मोर सच क्वेश्चन टॉपिक वाइज सो दैट इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर दिस थिंग एग्जाम्स. ओके, प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन. And do subscribe, keep subscribing to our channel and keep watching the videos. Thank you.